ओके फ्रेंड्स, वेलकम बैक एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आई होप यू ऑल आर सेफ, योर फैमिली मेंबर्स, योर पेरेंट्स, योर रिलेटिव्स एंड योर फ्रेंड्स ऑल आर सेफ एंड यू आर एंजॉयिंग दिस न्यू एरा एंड दिस न्यू वे ऑफ लर्निंग। फ्रेंड्स, क्या मेरी आवाज आपके तरफ आ रही है? आर यू एबल टू हियर मी? यस सर। यस सर। ओके, फाइन, थैंक यू। So friends, we had just started a second chapter. Physics का जो first lesson है उसमें थोड़ा introduction type का दिया हुआ है, मतलब वो जो chapter है वो थोड़ा introductory है, वो informative है, उसमें पढ़ाने से ज्यादा आपको information gain करना है। So on the very first lecture मैंने first chapter के कुछ concept, मतलब physics क्या है, क्यों पढ़ना चाहिए, वो मैंने आपके साथ discuss किया था। उसके बाद जो रियल फिजिक्स है वो स्टार्ट हो रहा है सेकंड चैप्टर से। वैसे सेकंड चैप्टर में कोई फिजिक्स का कोई ब्रांच, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस एनी ब्रांच। फिजिक्स अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड, आपको पता है कि वो अलग अलग ब्रांच में डिवाइड होके बनता है। मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, देन इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एटसेट्रा। बट ये जो सेकंड चैप्टर है वो जनरल चैप्टर है, वो कोई ब्रांच मेंशन नहीं कर रहा है। द नेम ऑफ द चैप्टर इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो हमने पहले ये सेकंड चैप्टर में लास्ट लेक्चर में फिजिकल क्वांटिटी क्या है, उसका क्या महत्व है, और फिजिकल क्वांटिटी का क्लासिफिकेशन हमने देखा था। दैट इज बेस्ड, दैट इज टू टाइम काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ज्यादा फंडामेंटल एंड डिराइव्ड वन। उसके बाद मैंने एक टॉपिक स्टार्ट किया था दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन थ्रू आउट द 11th एंड 12th स्टैंडर्ड। हमने स्टार्ट किया था यहाँ पे डायमेंशंस एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। तो मैं एक बार वापस से वो डायमेंशंस एंड डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है उसके बारे में बताता हूँ। और आपको पता होगा कि आज का हमारा जो लेक्चर है उसमें हम अलग अलग क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूला लर्न करने वाले हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूला का मतलब क्या हुआ? तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट जो है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट, जैसे मास का किलोग्राम है, जैसे लेंथ का मीटर है, जैसे टाइम का सेकंड है, जैसे वेलोसिटी या स्पीड का मीटर पर सेकंड है, तो दैट यूनिट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ प्रॉपर पावर ऑफ एम एल एंड टी। एम इज डिनोट मास, L is denoting length and T is denoting time. तो कोई भी physical quantity का जो unit होता है हम उसको M, L, T के proper power के साथ उसको represent कर सकते हैं। तो the equation made by that proper power of M, L, T, equation made by that proper power of M, L, T is defined as a dimensional formula. अगर mechanics की बात करते हैं तो वो equation जो होगा वो M, L and एम एल एंड टी के फॉर्म में ही होगा। बट अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हो, थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हो, तो अलोंग विद द एम एल टी, अलोंग विद द एम एल एंड टी, देयर विल बी ए और के विल बी देयर। ए फॉर एम्पियर, दैट इज अ करंट, एंड के फॉर टेम्परेचर, दैट इज अ केल्विन। तो अभी हमारा जो फोकस है वो मैकेनिक्स के कुछ क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के भी कुछ क्वांटिटीज हम डिस्कस करेंगे। Anybody sitting first time in my lecture? कोई ऐसा है कि जो आज पहली बार मेरा session attend कर रहा है? Is there anybody? कोई ऐसा है जो first time मेरा lecture attend कर रहा है? आपको unmute करके बोल सकते हो, unmute करके आप बोल सकते हो। ऐसा कोई है कि जो first time ये session attend कर रहा है मेरा? ओके, आर यू एबल टू हियर मी? क्या मेरी आवाज आपके तरफ आ रही है? क्या मेरी आवाज आप सुन पा रहे हो? यस सर। ओके, सो इज देयर एनीबॉडी हु इज अटेंडिंग फर्स्ट टाइम माय लेक्चर? ओके, सो फ्रेंड्स, हम आज डिस्कस करने वाले हैं अलग अलग क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूला।
तो क्या आपके मोबाइल के स्क्रीन पे ये पीडीएफ फाइल का ब्लैंक पेज आपको दिख रहा है आपके मोबाइल के स्क्रीन पे? यस सर। ओके एवरीबॉडी, प्रेरक है वहां पे? प्रेरक अच्छा, सम्यक है वहां पे? सम्यक यस सर। हाँ तो यू आर अटेंडिंग द फर्स्ट टाइम माय सेशन यूट्यूब पर जो है तो ओके फाइन ओके। तो फ्रेंड्स देखो, जो एक बार मैं वापस से आपको एक बार याद करा देता हूं कि अगर कहीं पे आप किलोग्राम देखते हो तो मुझे बताओ फ्रेंड्स कि ये किलोग्राम जो है वो किसका कौन से क्वांटिटी है? मास। आप जब आंसर देते हो तो उसके एट दैट टाइम यू हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ एंड आफ्टर गिविंग द आंसर यू जस्ट मेक योर स्पीकर म्यूट बिकॉज अदरवाइज दैट विल गेट डिस्टर्ब अस। आंसर देने के बाद आप वापस से म्यूट हो जाना, आंसर देने के बाद वापस से म्यूट हो जाना। तो एज अ किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास, किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास। तो मास का जो इनिशियल है वो कैपिटल एम है, तो आपको एम सोचना है। अगर किलोग्राम का वन पावर है तो यहाँ पे आपका एम वन लिखना है। अगर कहीं पे किलोग्राम स्क्वायर है तो आपको क्या सोचना है? मास का टू पावर है ऐसा सोचना है। फ्रेंड्स, मीटर और सेंटीमीटर और किलोमीटर इज द यूनिट ऑफ अ लेंथ, ये लेंथ का यूनिट है। तो मतलब कहीं पे भी अगर आपको मीटर दिखता है तो इट इज रिप्रेजेंटिंग लेंथ, तो आपको एल का एक पावर अज्यूम करना है। अगर मीटर स्क्वायर कहीं पे आपको दिखता है तो उसका मतलब आपको एल स्क्वायर सोचना है। अगर मीटर रेस टू माइनस टू है तो उसका मतलब आपको एल रेस टू माइनस टू करना है। एंड अगर कहीं पे आपको सेकंड या आर या मिनट्स या डेज या इयर्स ऐसा दिखता है तो दैट इज अ रिप्रेजेंटिंग द टाइम। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि आपको क्या सोचना है, टाइम का जो इनिशियल है वो टी है तो आपको टी सोचना है। अगर सेकंड स्क्वायर कहीं पे लिखा हुआ है तो आपको टी स्क्वायर अज्यूम करना है। तो दैट इज दैट वाज द बेसिक थिंग। अब मैं वन बाय वन सब क्वांटिटीज में एक के बाद एक डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहला जो क्वांटिटी हम ले रहे हैं वो वैसे कल हमने डिस्कस किया, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, एक बार वापस से उसको एक बार वन बाय वन कर लेते हैं। तो नंबर वन इज अज्यूम टू बी अ मास। मास इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, दैट्स व्हाई उसका कोई इक्वेशन नहीं होगा। अब मास का जो यूनिट है वो हमको पता है कि वो केजी है, तो उसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो फ्रेंड्स क्या होगा? एम वन नो मीटर नो सेकेंड, मतलब एल जीरो टी जीरो। ये सब मैंने लास्ट लेक्चर में करवाया था बट तो भी मैं एक बार फिर से ये मैं ले लेता हूं। अब डिस्टेंस सोचो या फिर डिस्प्लेसमेंट सोच लो। या फिर रेडियस सोच लो। या फिर आप लेंथ को सोच लो। या फिर आप आर्क अज्यूम करो। या फिर आप डायमीटर अज्यूम कर लो। या फिर आप थिकनेस अज्यूम कर लो। या फिर आप हाइट को अज्यूम कर लो। तो ये जो सारे क्वांटिटीज है और भी आ सकते हैं, जैसे सर्कमफरेंसेस है, पेरीमीटर है, तो ये जो ऑल दिस क्वांटिटीज आर मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मीटर, तो ये सारे मीटर सेंटीमीटर में ही मेजर हो गए। तो ये मतलब इस ये सबको हम लेंथ के हिसाब से ही सोच सकते हैं। तो चलो कोई मुझे बताएगा मुझे यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, व्हाट शुड बी द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दिस क्वांटिटी? चलो उसके बाद टाइम इंटरवल और टाइम।
तो वो सेकंड में हम मेजर करते हैं, तो वो आपको पता होगा कि इट विल बी एम जीरो एल जीरो टी वन। सम्यक है वहां पे? सम्यक सम्यक यस सर। बोलो आपको ये पता है कि एरिया क्या होता है? एल इंटू बी। वेरी गुड। एरिया इज द लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ का यूनिट मीटर होता है, ब्रेथ का भी मीटर होता है, एल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, एंड विद रिस्पेक्ट टू दैट द डायमेंशन फॉर्मूला विल बी एम जीरो L2 T0। वेरी गुड। सिमिलरली वॉल्यूम, तो वॉल्यूम जो है वो एल बी एच है, तो मीटर 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 विल गेट यू मीटर क्यूब। मतलब हाँ एम जीरो एल क्यूब टी जीरो हो जाएगा। देखो अब मैं जो बच्चे को पूछूंगा वो आंसर देगा, जिसको मैं पूछूंगा वही आंसर देगा। चलो अब हम डिस्कस करेंगे, अज्यूम करेंगे डेंसिटी। तो वहां पे अच्छा रिद्धि है, रिद्धि वहां पे, रिद्धि। यस सर। हाँ रिद्धि बताओ, आपको पता क्या है डेंसिटी को, कैसे हम उसका इक्वेशन क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। वेरी गुड। देखो अब जो अभी मैं आपको, मैं जो पहला 18 क्वांटिटीज है, जो फर्स्ट 17 टू 18 क्वांटिटीज, सो दैट यू हैड लर्न समवेयर इन द 11th, इन द 8, 9, 10, 10 स्टैंडर्ड। तो आपका, आपको उसका इक्वेशन पता है तो वेल एंड गुड, बट अगर आपको शायद सपोज के ये पता नहीं है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो कोई बात नहीं। आपको क्या करना है, आपको आज के लेक्चर खत्म होने के बाद घर पे जाके वो सारे क्वांटिटीज तो यहाँ पे मैं सिखाऊंगा आज, चाहे 8, 9, 10 स्टैंडर्ड में सबके बाद मैं बोल रहा हूँ, सबके लिए मैं बोल रहा हूँ, नॉट ओनली द रिद्धि। तो वो क्या करना है आपको कि आपको घर पे जाके आज मैं 32 क्वांटिटीज डिस्कस करने वाला हूँ, उसमें से कुछ क्वांटिटीज आपके लिए नया होगा, कुछ क्वांटिटी आपने 8, 9, 10 स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे, तो चाहे ये नए है या पढ़े हो, बट आपको घर पे जाके क्या करना है कि उसका इक्वेशन पहले सोचना है, इक्वेशन उसको याद रखना है। इस इक्वेशन अगर आपको पता चल जाएगा तो उसके बेस पे आप उसका यूनिट निकाल सकते हो, और अगर यूनिट निकाल सकते हो तो उसके बेस पे आप उसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हो। तो जैसे डेंसिटी इज़ इक्वल टू, कुछ बच्चों को पता है कि मास अपॉन वॉल्यूम होता है, शायद ऐसा भी पॉसिबल है कि किसी को पता नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको घर पे जाके ये प्रिपेयर करना है, ये लर्न बाय हार्ट करना है, बिकॉज द हाफ ऑफ दिस चैप्टर, हाफ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन द डायमेंशनल फॉर्मूला। और मैं आपको बताऊ फ्रेंड्स, 11th एंड 12th खत्म होगा, सो इन दैट टू ईयर्स यू विल गो टू द, यू विल कम अक्रॉस द ऑलमोस्ट 150 और मोर देन 150 क्वांटिटीज फॉर विच यू हैव टू डिफाइन द, यू हैव टू डिराइव द डायमेंशनल फॉर्मूला। मेरा नोट्स किसी ने देखा, मेरा सेकेंड चैप्टर का पूरा नोट्स किसी ने देखा? यस सर। यस सर। अगर जो किसी ने देखा हो तो लास्ट में मैंने पूरे अलग अलग डिफरेंट ब्रांचेस के क्वांटिटीज दिए हुए हैं, मतलब लास्ट तीन चार पेज है वो खाली ना खाली, उसमें फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला ही है। बट आपको वो सारे, अभी आपको वो सारे प्रिपेयर करना नहीं है, अभी वो आपको वो सारे क्वांटिटीज प्रिपेयर नहीं करना है, अभी आपको खाली 32 जो मैं आज करवाने वाला हूँ वो 32 क्वांटिटीज ही प्रिपेयर करना है। बाकी जो क्वांटिटीज है वो फ्यूचर में आपको आएगा, 11th या 12th स्टैंडर्ड में फ्यूचर में आएगा। तो अभी आपके लिए जो टास्क है वो खाली ये जो मैं 32 क्वांटिटीज में अभी डिस्कस करने वाला हूँ उसको आपको लर्न बाय हार्ट करना है, उससे ज्यादा करने की, उसके ज्यादा आपको क्रैम करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली फ्यूचर में वो क्वांटिटी आ जाएगी, तो एट दैट टाइम यू विल बी एबल टू अंडरस्टूड। तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास का यूनिट होता है। चलो वापस से रिद्धि आ जाओ, बोलो केजी। केजी मास का होगा केजी, एंड वॉल्यूम का क्या होता है? मीटर क्यूब। तो अपॉन मीटर क्यूब आएगा, तो अगर अपॉन मीटर क्यूब, हाँ अपॉन मीटर क्यूब आएगा तो ऊपर, अगर मीटर को ऊपर माइनस थ्री हो जाएगा। चलो कंप्लीट करो रिद्धि। एम वन एल माइनस थ्री टी जीरो। ओके वेरी गुड। चलो यहाँ पे हमारे साथ रिद्धि भी है एंड सिद्धि भी है। चलो सिद्धि है वहां पे,
सिद्धि है वहां पे? सिद्धि आर यू एबल टू हियर मी? सिद्धि ओके. अर्गम, अर्गम है वहां पे? यस सर. चलो अर्गम बताओ वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? टाइम एक्सेलरेशन अपॉन टाइम, टाइम टेकन अपॉन एक्सेलरेशन. नो 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 नो, मीटर पर सेकंड. मैं जिसको पूछता हूँ वही को आंसर दे रहा है अभी मुझे, तो जिसको मैं पूछूं वही आंसर दे गए. अच्छा यहाँ पे कोई रेड एमआई को मतलब नाम है यहाँ पे एंटर हुए रेड एमआई लिख के, तो आई रिक्वेस्ट यू टू एंटर इन दिस सेशन विथ योर प्रॉपर नेम. ओके नेक्स्ट ऑनवर्ड्स. वंश है वहां पे? वंश, वंश है? यस सर. वंश बताओ स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस इनटू टाइम टेकन. फिर से बोलो, थोड़ा रॉन्ग है. डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन. हाँ अब बराबर है. चलो कोई मुझे बताएगा आप में से कि वेलोसिटी एंड स्पीड के बीच में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वेलोसिटी एंड स्पीड? एनीबॉडी फ्रॉम योर साइड? Velocity is in a specific direction as well, and the speed is the ratio of the distance upon time. It can be any direction. Okay, very good. आप एकदम proper समझे, but जो आप बोले उसको मैं थोड़ा और simply और मतलब उसको specifically बताता हूँ. Velocity जो है. Velocity is a vector quantity. हाँ, ये vector quantity है. Scalar quantity. And the speed is a scalar quantity. तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है. वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, व्हाइल स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज अ स्केलर क्वांटिटी. तो वेक्टर स्केलर क्वांटिटी के बारे में हम पूरा डिटेल डिस्कशन बाद में करने वाले हैं, बट अभी मैंने थोड़ा शायद आपको किसी को पता है तो मैंने बताया कि भाई स्पीड जो है वो स्केलर है, उसका कुछ डायरेक्शन डायरेक्शन नहीं होता है. वेलोसिटी है वो वेक्टर होता है, वो कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शन में होती है. सही बात है आपका. उसका जो यूनिट होगा ऑब्वियसली ये डिस्टेंस का जो यूनिट है वो मीटर है, एंड टाइम का जो यूनिट है वो सेकंड है. तो मीटर पर सेकंड. तो इसके हिसाब से चलो अर्गम, अर्गम. यस सर. चलो बताओ मैं मुझे क्या लिखना चाहिए यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला? एम जीरो. श्योर? यस. कॉन्फिडेंट? यस. पक्का? हाँ. लॉक किया जाए? यस. अरे वेरी गुड. चलो एम जीरो. एल माइ अरे एल एल वन. एल वन. एस माइनस वन. ओके टी माइ माइनस वन. ओके वेरी गुड. चलो अब हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सेलरेशन. So, प्रेरक है वहां पे? प्रेरक? यस सर. प्रेरक आप बताओगे मुझे एक्सेलरेशन क्या है? ओके. चेंज इन टाइम, चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम. हाँ, मोर प्रिसाइजली, मोर प्रिसाइजली यू शुड से चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. ओके. बट सही बात है आपका. चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम गिव्स अस द एक्सेलरेशन. तो फ्रेंड्स वेलोसिटी का जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है. तो न्यूमरेटर में आएगा मीटर पर सेकंड और डिनोमिनेटर में वापस एक बार सेकंड आता है. देखो ये प्रॉपर नोटेशन नहीं है, ये यूनिट लिखने का नोटेशन प्रॉपर नहीं है. आप कोई भी यूनिट ऐसे नहीं लिख सकते हो. इट शुड बी ओनली सिंगल रेशियो. यूनिट को कभी भी इस तरह से आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं. दैट इज अगेंस्ट द रूल्स ऑफ अ ऐसा यूनिट सिस्टम. आपको ये दो बार रेशियो कभी भी नहीं दिखा सकते. तो आपको लिखना पड़ेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन सेकंड. दो बार आएगा मतलब सेकंड स्क्वायर हो जाएगा. तो इसका होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो यहाँ पे हमको आंसर देंगे सम्यक. सम्यक है वहां पे? सम्यक. यस सर. बोलो क्या होना चाहिए इसका डायमेंशनल फॉर्मूला? एम जीरो. ओके वेरी गुड. L1. L1. T minus 2. T minus 2. Very good.
चलो अब हम ले लेते हैं मोमेंटम को. तो चलो मोमेंटम किसी को पता है? P is equals to mass into mass into velocity. अब चलो मास का जो यूनिट है वो किलोग्राम है एंड वेलोसिटी का जो यूनिट है वेलोसिटी का वो मीटर पर सेकंड, मतलब मीटर सेकंड रेस टू माइनस वन है. तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला उसका बनाते हैं, तो वो हो जाएगा मास का पावर वन, लेंथ का पावर एंड टाइम का माइनस वन हो जाएगा. ओके तो ये जो सारे क्वांटिटी थे वो कहीं ना कहीं पे आपके 8th, 9th, 10th स्टैंडर्ड में आपने कहीं ना कहीं पे पढ़ा हुआ था. अब शायद उसका अब जो मैं लेने वाला हूँ थोड़ा अप लेवल, मतलब एक स्टेप अब मैं थोड़ा बढ़ाऊंगा, एक स्टेप अप लेवल पे ले जाते हैं. तो अभी भी कुछ क्वांटिटीज ऐसे है कि जो आपने कहीं ना कहीं पे पढ़ा हुआ है. तो ये जो 9 क्वांटिटी है आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा उसका डायमेंशनल फॉर्मूला. बहुत ही इजी, मास का पावर किलोग्राम के हिसाब से मास सोचना है, मीटर के हिसाब से लेंथ सोचना है, टाइम के मतलब सेकंड के हिसाब से टाइम को सोचना है. तो अभी मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, हम आगे बढ़ते हैं, क्वांटिटी नंबर 10 पे जाते हैं. इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, आपको ये सारे क्वांटिटी पीछे अलग से मिल जाएगा. तो आपको इसका मतलब ये इसको मुझे भेजने की ये स्क्रीनशॉट या इसको मुझे सेंड करने का जरूरत नहीं, आपको वो ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड किया हुआ है. वो आपके नोट्स के अंदर आपको लास्ट में, आज जो मैं 32 क्वांटिटीज से डिस्कस करने वाला हूँ वो अलग से आपको लास्ट में मिल ही जाएगा. चलो अब हम डिस्कस करेंगे क्वांटिटी नंबर 10. शायद अब ऐसा होगा कि कोई क्वांटिटी आपके लिए नया होगा. है कोई, कोई मुझे बताएगा फोर्स का फॉर्मूला क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन. सो फोर्स इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन. इट इज अ वेरी वेल नोन क्वांटिटी. फादर एफ इज इक्वल्स टू मदर मा. तो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. सो इट इज अ एम इनटू ए. अब मास का जो यूनिट होता है वो केजी होता है. केजी. एंड एक्सेलरेशन का हमने अभी ही डिस्कस किया, उसका क्या होता है? मीटर पर स्क्वायर. अगर आपको एक्सेलरेशन का यूनिट याद रखना है तो शायद आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होता है वो आपने बहुत बार कहीं पे देखा होगा. वो इफ यू रिमेम्बर इट वाज अ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. वो जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो क्या है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही है ना. एक्सेलरेशन का यूनिट आप डायरेक्टली ऐसे भी याद रख सकते हो अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो. ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो वंस अगेन वांट टू मेक द यूनिट. देखो फिजिक्स सबसे बढ़िया सब्जेक्ट है, बाकी सब बेकार है. पूछो क्यों अरे पूछ लो. फिजिक्स सबसे अच्छा सब्जेक्ट है, बाकी सब बेकार है. पूछो क्यों? अरे पूछ लो. ओके क्या मेरी आवाज आपकी तरफ आ रही है फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes, sir. थोड़ी देर के लिए इंटरनेट लेक हुआ था. कभी कभी फ्रेंड्स ऐसा होगा, कभी कभी ये इंटरनेट का प्रॉब्लम थोड़ा होगा. तो नो वरी, मैं जो भी टॉपिक चल रहा है उसको वापस एक बार रिपीट कर दूंगा. सो वापस से एक बार मैं ये वहां पे हम स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. वापस से हम जहाँ पे है वहां पे आ जाते. आर यू एबल टू सी द ब्लैंक नोट इन योर मोबाइल? तो हम डिस्कस कर रहे थे फोर्स के बारे में. तो द क्वांटिटी वी आर डिस्कसिंग दैट वाज अ फोर्स. फोर्स जो था, किसी ने बताया मुझे कि फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन है. सही बात है आपका. तो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू द एक्सेलरेशन. तो उसके बेस पे अगर हमको यूनिट बनाना है, यूनिट अगर बनाते हैं उसको
जस्ट अ मिनट, आई नीड टू सेट सम, ये कुछ मुझे पैरामीटर्स भी सेट करना पड़ेगा. ओके लेट मी जस्ट सेटल डाउन. ओके ओके यप ओके डन. तो फ्रेंड्स हम डिस्कस कर रहे थे फोर्स के बारे में, दैट वाज़ द 10th क्वांटिटी. तो किसी ने मुझे बताया फोर्स जो होता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है. मास का होगा केजी, एक्सेलरेशन का होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर. देखो मैं अब ये बता रहा था कि फिजिक्स जो है वो सबसे ज्यादा अच्छा सब्जेक्ट है, बाकी सब बेकार है. पूछो क्यों? तो क्योंकि देखो आपको सोचना चाहिए कि आप क्यों आए हो इस दुनिया में, आपका आने का रीजन क्या है. सब बड़े होते हैं, शादी करते हैं, बच्चे करते हैं, फिर मर जाते हैं. तो क्या यही लाइफ है? आपको सोचना चाहिए कि क्या करना है, हमारा एम क्या है. तो कुछ ऐसा करके हमको मतलब यहां से जाना चाहिए कि उसके बाद लोग हमको याद करें बहुत सालों तक. मतलब हमको कुछ ऐसा करना चाहिए कि हमारा नाम हो जाए, पॉजिटिव वे से हमारा नाम हो. तो फिजिक्स इज प्रोवाइडिंग दिस थिंग. देखो ये फोर्स का जो यूनिट है वो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. बट कोई मुझे बताएगा अपार्ट फ्रॉम दिस केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर व्हाट इज द यूनिट ऑफ द फोर्स? आप में से कोई मुझे बताएगा? न्यूटन. वेरी गुड वेरी गुड, दैट इज न्यूटन. न्यूटन सही बात है आपका. अब देखो फोर्स का यूनिट न्यूटन है. कोई मुझे बताएगा इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है? एम्पियर. कोई मुझे बताएगा एनर्जी या वर्क का यूनिट क्या है? वर्क और एनर्जी का यूनिट जूल. जूल जूल. वेरी गुड. कोई मुझे बताएगा इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या है? कूलम. कूलम. वेरी गुड. कोई मुझे बताएगा प्रेशर का यूनिट क्या है? पास्कल. वेरी गुड पास्कल. कोई मुझे बताएगा पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या है? वोल्ट. 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 कोई मुझे बताएगा पावर का यूनिट क्या है? वाट. 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 तो क्या कॉमन है ये सब सारे यूनिट में? कॉमन क्या है कोई मुझे बताएगा? सारे मैंने देखा न्यूटन, जूल, पास्कल, देन एम्पियर, कूलम्ब, वाट, वोल्ट. तो क्या कॉमन क्या है ये सारे यूनिट में? तो ये जो हाँ ये जो सारे यूनिट है वो साइंटिस्टों के नाम पे है. वैसे न्यूटन मर गया, पास्कल भी मर गया, जूल कूलम एम्पियर भी आज नहीं है, बट तो भी हम उसको एज ए यूनिट याद करते हैं. और जब तक ह्यूमन बीइंग का एग्जिस्टेंस रहेगा ना तब तक लोग उसको याद करेंगे. मतलब वो अमर हो गए हैं. तो फिजिक्स आपको ये चांस प्रोवाइड कर रहा है. अगर आप में से कोई बड़ा होके फिजिक्स के अंदर कुछ अच्छा सा इन्वेंट करते हो तो मे बी पॉसिबल दैट फ्यूचर में कोई न्यू क्वांटिटी का यूनिट आपके नाम से हो. जैसे अगर अर्गम कोई अच्छा काम करता है बड़ा होके, तो मे बी स्टूडेंट्स इन फ्यूचर विल लर्न दैट द यूनिट ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी इज अर्गम. आई एम नॉट किडिंग बट इट इज पॉसिबल. तो फिजिक्स ये सब चीज प्रोवाइड करता है. तो ऑन द नेम ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट न्यूटन, दो द यूनिट ऑफ फोर्स इज के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट उसको हम न्यूटन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. बट अभी हमारे लिए न्यूटन इम्पोर्टेंट नहीं है. अभी हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये है के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो सिद्धि है वहां पे? सिद्धि, सिद्धि इज देयर? अच्छा कस्तो है वहां पे? यस सर. कस्तो बताओ मुझे क्या लिखना चाहिए? m raised to 1, l raised to 1, t raised to minus 2. Very good. So it will be a m1, l1, t minus 2 is the right answer. देखो ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला है फोर्स का, ये फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको इसको याद रखना है बिकॉज बहुत सारे क्वांटिटी में ये आने वाला है.
तो यू मस्ट रिमेम्बर दिस डायमेंशनल फॉर्मूला. आपको याद रखने का ट्रिक ऐसा है कि 1 1 2 1 1 माइनस 2, तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला आपको कंपल्सरीली याद रखना है. बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी में इसका डायरेक्टली यूज होगा. तो जैसे ही अगर फोर्स कहीं पे आता है तो आपके माइंड में डायमेंशनल फॉर्मूला क्लिक हो जाना चाहिए, 1 1 2 1 1 माइनस 2. तो दैट शुड बी रिमेम्बर. आपको ये याद रखना है अभी. और दूसरा, एक दूसरा भी है वो डायमेंशनल, दो डायमेंशनल फोर्स एंड दूसरा जो है वर्क, ये दोनों डायमेंशनल फॉर्मूला आपको याद रख लेना है. चलो कोई मुझे बताएगा आप में से कोई भी वर्क का फॉर्मूला क्या है? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट. वेरी गुड. कौन बोला? कौस्तव. कौस्तव, कहीं पे आपने ये पढ़ा हुआ है कि आपको याद है ये, मतलब 8-9 स्टैंडर्ड से कि याद है? वेरी गुड. तो फोर्स इनटू द डिस्प्लेसमेंट, इफ यू रिमेम्बर W इज इक्वल्स टू F इनटू D, दैट वाज द फॉर्मूला. कहीं कहीं कभी इसको F इनटू S भी बोलते हैं. वो D है या S है, वो है तो डिस्प्लेसमेंट. तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज एक्चुअली अ वर्क डन. चलो फोर्स का यूनिट क्या है फ्रेंड्स? फोर्स का क्या है अभी हमने डिस्कस किया. तो फोर्स का जो यूनिट है वो न्यूटन है. डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है फ्रेंड्स? मीटर है. तो फ्रेंड्स वर्क का जो यूनिट होगा वो न्यूटन इनटू मीटर होगा. बट ऑन द नेम ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट, ऑन द नेम ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट आई कैन से इट इज अ जूल. बट अभी हमको निकालना है यहाँ पे राइट साइड में, मैं राइट साइड अभी लिख रहा हूँ न्यूटन इनटू मीटर. चलो मैंने आपको पहले से ही बोला था कि इसको याद रखना. चलो न्यूटन का क्या है फ्रेंड्स? m1 l1 t-2, एंड उसको मल्टीप्लाई करना है डिस्टेंस से. डिस्टेंस का मतलब मीटर से. मीटर का क्या होता है फ्रेंड्स? m0 l1 t0. 0-0 वाले टर्म्स ना लिखे तो भी चलेगा. तो फाइनली फ्रेंड्स मुझे बताओ ये क्या हो जाएगा? व्हाट शुड बी द फाइनली डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द वर्क डन? क्या होगा फ्रेंड्स? m1 l1 t1 l1 l1 वापस l1. तो l का क्या हो जाएगा? L square and t-2. तो फ्रेंड्स अगर आप, आपका मोबाइल जो है वो horizontal रखोगे ना तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा. तो मोबाइल को थोड़ा horizontal रख दो. तो यहाँ पे हो जाएगा m1 l2 t-2. तो फ्रेंड्स ये दो फॉर्मूला ये आपको याद रखना है. ये दोनों फॉर्मूला यू हैव टू रिमेम्बर दिस बोथ द फॉर्मूलास बिकॉज इसको फ्रीक्वेंटली ये दोनों यूज होगा. तो अगर कहीं पे न्यूटन आता है, अगर कहीं पे अगर कहीं पे मीटर न्यूटन आता है न्यूटन, तो आपको 112 याद करना है. 112 1 1 माइनस 2. एंड कहीं पे अगर जूल आता है, अगर कहीं पे आप जूल को देख लेते हो तो आपको 122 याद याद रखना है. न्यूटन के लिए 112 एंड जूल के लिए 122 1 2 माइनस 2. तो ऐसे आपको ये दोनों, बाकी तो सब आपको बनाना है, बाकी सब को आपको डिराइव करना है, बट ये दो जो डायमेंशनल फॉर्मूला है उसको कंपलसरी आपको याद रखना है. याद रह गया फ्रेंड्स, न्यूटन के लिए आपको क्या याद रखना है? 112 याद रखना है एंड जूल के लिए आपको 122 याद रखना है. चलो अब आगे बढ़ते हैं. चलो कोई मुझे बताएगा पावर का पता है किसी को? Anybody from your side, what is the work upon time? Work by time. Work done by time taken. देखो कुछ बच्चों को ये formulas पता है, अगर किसी को पता नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है. आपको घर पे जाके ये सारे जो formulas है वो learn by heart करना है, अलग अलग quantities के. वैसे मैंने आपको बताया कि आज हम 32 जितने quantities discuss करने वाले हैं. आपको घर पे जाके अगर उसके formula याद नहीं है तो उसको सबसे पहले उसका फॉर्मूला आपको याद रखना है. और उसके बाद अगर आपको फॉर्मूला पता चल जाएगा तो यू कैन डिराइव दी यूनिट ऑफ दैट. अब वर्क का क्या डिस्कस किया हमने? अभी डिस्कस किया वर्क का. क्या लेंगे हम? जूल लेंगे. और अपॉन टाइम का सेकंड नीचे सेकंड तो ऊपर ले जाएंगे तो उसको सेकंड माइनस वन बोलेंगे. बट ऑन द नेम ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट जेम्स वॉटसन हु वॉज द इन्वेंटर ऑफ स्टीम इंजिन, इसको वॉट भी बोलते हैं. बट हमारा अभी जो टारगेट है वो जूल पर सेकंड का है. तो जूल का क्या होता है? तो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया जूल का जो होता है 122 होता है. 122 होता है.
अपॉन टाइम अपॉन सेकंड, सेकंड का पावर वन अपॉन जीरो जीरो वाले ने क्या बोले हो सर? डायोप्टर किसमें आता है? डायोप्टर जो होता है ना वो पावर ऑफ द लेंस है, लेंस का पावर वो अलग एंड उसका जो यूनिट होता है वो वन अपॉन मीटर होता है. पावर ऑफ द लेंस इज अ डायोप्टर, इट इज द यूनिट ऑफ द पावर ऑफ द लेंस इज अ डायोप्टर एंड उसका जो होता है वो वन अपॉन मीटर होता है. तो वेरी गुड, यहाँ पे एक आपने अच्छा क्वेश्चन किया. ऐसा बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में मैंने देखा हुआ है कि ऐसा पूछते हैं कि व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द पावर ऑफ अ लेंस. तो बच्चे पावर का सोचते हैं और ये जूल पर सेकंड का सोच के वो पावर का लिख देते हैं. बट पावर ऑफ द लेंस का जो यूनिट है वो डायोप्टर है एंड डायोप्टर का होता है वन अपॉन मीटर. तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा फ्रेंड्स, बता दो. अभी अभी ये डिस्कस किया तो उसको खत्म करते हैं. वन अपॉन एल, तो वन अपॉन एल का मतलब क्या होगा? एल माइनस वन होगा ना, माइनस वन. तो देखो यहाँ पे कुछ डिफ्रेंशिएशन हम यहाँ पे सीखा. अच्छा हुआ आपने क्वेश्चन पूछा कि पावर एंड पावर ऑफ अ लेंस बोथ आर अ डिफरेंट क्वांटिटीज. पावर एंड पावर ऑफ अ लेंस बोथ आर डिफरेंट, दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला भी डिफरेंट है. इज दैट क्लियर? किसने पूछा था ये क्वेश्चन? प्रेरक. हाँ, तो इज इट क्लियर टू यू और प्रेरक? यस ओके. तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे पावर का. तो फाइनली यहाँ पे मिला हमको m1 l2 t माइनस टू अपॉन t1. तो अपॉन t1 है तो उसको सिंपलीफाई करेंगे क्या हो जाएगा, m1 l2 और t1 ऊपर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा t माइनस थ्री माइनस और वापस से एक ऊपर जाएगा तो माइनस वन वापस ऐड होगा तो यहाँ पे t माइनस थ्री हो जाएगा. तो ये हो गया m1 l2 t माइनस थ्री. सो दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द पावर. चलो अब मुझे कोई बताएगा प्रेशर के बारे में. फोर्स अपॉन एरिया. वेरी गुड. कौन बोला? अर्गम. हाँ अर्गम. अर्गम वेरी गुड. आपको ये याद था कि आप कहीं पे देख के बोल रहे थे? याद था सर, नाइन्थ में आया था. वेरी गुड. तो फोर्स अपॉन एरिया. चलो अब फोर्स का यूनिट हमको पता है कि न्यूटन है, एरिया का हमको पता है कि मीटर स्क्वायर है. तो वैसे ये जो प्रेशर है उसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा. बट ऑन द नेम ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट ब्लेज पास्कल, तो पास्कल के ऑनर में उसको हम पी ए भी बोलते हैं. बट अभी हमारे लिए पास्कल इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी हमारे लिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इम्पोर्टेंट है. तो राइट साइड में उसका मैं है ना ये सारे क्वांटिटी का सिंप्लीफिकेशन राइट साइड जो ब्लैंक स्पेस है वहां पे मैं उसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ. तो आप जो वहां पे देख लेना एक बार. तो यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को. तो फ्रेंड्स न्यूटन का क्या होता है, आपको मैंने बोला था कि याद रखना है दो चीज आपको हमेशा याद रखना है. न्यूटन फोर्स. हाँ, न्यूटन के लिए 112 एंड जूल के लिए 122. ये दो चीज आपको हमेशा याद रखना है बिकॉज बहुत सारे डिराइव्ड क्वांटिटी में फ्रीक्वेंटली न्यूटन एंड जूल का यूज होगा. तो अगर ये दोनों आपने याद रख लिए तो बहुत सारे क्वांटिटी आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा. और मैंने आपको याद रखने का टेक्निक भी समझा दिया. न्यूटन को 112 याद रखो, जूल को 122 याद रखो. तो न्यूटन है वो 112 मतलब m1 l1 t माइनस टू है और अपॉन मीटर स्क्वायर. मीटर स्क्वायर का मतलब l स्क्वायर. मीटर इज द इंडिकेशन ऑफ लेंथ. कभी कभी बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, मीटर का वो मास ले लेते हैं. सो दैट शुड नॉट बी डन. तो अब बताओ इसका सिंप्लीफाई क्या होगा. ऊपर तो m1 है, अब l1 l2 l2 ऊपर जाएगा तो l माइनस टू होगा. तो वन है माइनस टू है, एल का वन है एल का माइनस टू पावर है. तो इफेक्टिवली एल का क्या पावर हो जाएगा? माइनस वन. माइनस वन. बच्चे ये समझ में आ रहा है ना आपको? मैंने जस्ट सिंपली यस सर. तो ये एल टू को ऊपर ले गया तो उसका माइनस टू पर जाएगा तो वन माइनस टू विल गेट यू माइनस वन. तो एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू. चलो अब और आगे बढ़ते हैं. फ्रीक्वेंसी. चलो कोई मुझे बताएगा फ्रीक्वेंसी के बारे में.
कोई बताएगा मुझे? है कोई माइका लाल? वन बाय टाइम। या वेरी गुड। फ्रीक्वेंसी जो वो वन अपॉन टाइम इंटरवल है। फ्रीक्वेंसी मतलब वन अपॉन टाइम इंटरवल, तो इसका जो यूनिट होगा वो वन अपॉन सेकेंड माने सेकेंड इनवर्स होगा। बट ऑन द नेम ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट इट कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाई हर्ट्ज, बट राइट नाउ हर्ट्ज इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। राइट नाउ इम्पोर्टेंट इज वन अपॉन टाइम। तो वन अपॉन टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा फ्रेंड्स? M0 L L0 T minus 1। Very good, M0 L0 T minus 1। अभी जो है वो पीरियोडिक टाइम ले लेते हैं। एक्चुअली मुझे पीरियोडिक टाइम पहले लेना चाहिए था, उसके बाद फ्रीक्वेंसी लेना चाहिए था। कोई बात नहीं, पीरियोडिक टाइम। चलो पीरियोडिक टाइम ऑब्वियसली उसका सेकंड होगा, तो इसका आपको पता ही होगा कि M0 L0 T1 ऑब्वियसली। देखो अब एनर्जी के बारे में डिस्कस करते हैं। एनर्जी इट मे बी अ पोटेंशियल एनर्जी, इट मे बी अ काइनेटिक एनर्जी, इट मे बी अ मैकेनिकल एनर्जी, इट मे बी अ हीट एनर्जी, इट मे बी अ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सारे जो एनर्जीज है, कोई मुझे बताएगा वो कौन सा यूनिट पे मेजर एनर्जी वी विल मेजर इन विच यूनिट? एनर्जी को कौन से यूनिट में मेजर करते हैं हम? जूल। या परफेक्ट। तो एनर्जी इज मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ जूल। कैलोरी भी आता है बट एसआई यूनिट, एसआई सिस्टम में उसका यूनिट जूल है। तो फ्रेंड्स जूल का हमने याद रखा हुआ है, ये जो वर्क डन था वो भी जूल ही था ना, तो उसका हमने ऑलरेडी याद रखा हुआ है। क्या याद रखा हुआ है फ्रेंड्स? 1 to 2। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि एनर्जी का भी क्या होगा? M1 L2 L2 T minus 2। Is that clear everybody? Yes sir। देखो ये जो सारे क्वांटिटीज थे अब तक मैंने जितने भी क्वांटिटीज यहाँ पे डिस्कस किए हैं अब तक, तो वो सारे क्वांटिटीज आपने कहीं ना कहीं पे ये 8th, 9th, 10th स्टैंडर्ड में कहीं ना कहीं पे देखा हुआ है। बट अब मैं ऐसे क्वांटिटीज डिस्कस करने वाला हूँ कि वो शायद आपके लिए नया है। तो मैं अब आपका टारगेट ऐसा होना चाहिए कि मैं वो क्वांटिटी का इक्वेशन लिखूंगा, वो क्वांटिटी का इक्वेशन मैं लिखने वाला हूँ, वो मैं आपको बता दूंगा। तो आपका टारगेट अभी ऐसा है कि वो इक्वेशन के बाद उसका यूनिट एंड उसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको यहाँ पे बनाना है, उसको आपको फॉर्मेशन आपको करना है डायमेंशनल फॉर्मूला का। तो अभी शायद आपके लिए अब जो क्वांटिटीज है वो सारे नए हैं। इतने जो क्वांटिटीज थे वो कहीं ना कहीं पे आपने डिस्कस किए थे 8th, 9th, 10th में, तो शायद अब जो क्वांटिटीज मैं लेने वाला हूँ वो आपके लिए शायद नया हो। सरफेस टेंशन, चलो किसी ने ये पढ़ा हुआ है कहीं पे सरफेस टेंशन नाम सुना हुआ है? यस और नो? नो सर। नो सर। कहीं पे देख, कहीं पे ये सुना हुआ है नाम सरफेस टेंशन? नो सर। हाँ तो मैं वही बता रहा हूँ कि अब जो क्वांटिटीज मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो आपके लिए नया है, तो उसका इक्वेशन शायद आपको पता नहीं होगा, तो वो मैं अभी बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, घर पे जाके ये सारे क्वांटिटीज के इक्वेशंस, उसके बाद यूनिट एंड उसके बाद डायमेंशनल फॉर्मूला आपको करना है। वैसे क्वांटिटीज तो बहुत सारे होते हैं, मैंने बताया ना 150, मोर देन 150 क्वांटिटीज भी देर, बट अभी आपके लिए ये 30 क्वांटिटीज ही आपको अभी के लिए प्रिपेयर करना है। बाकी सब क्वांटिटी को अभी प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, उसको क्रैम करने की जरूरत नहीं है, वो इवन एक्चुअली आप जब जब जैसे पढ़ते जाओगे वो ऐसे ऑटोमेटिकली आपको वो डिस्कस करना में आएगा। अभी ये कुछ नए क्वांटिटीज को आपको याद रखना पड़ेगा, तो मैं उसका फॉर्मूला आपको ऑलरेडी बता देता हूँ, उसके बाद का काम आपको करना है। तो
तो सरफेस टेंशन का जो फॉर्मूला है वो फोर्स अपॉन लेंथ है. चलो फोर्स का यूनिट क्या होता है फ्रेंड्स? न्यूटन अपॉन मीटर. ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर. मैं यहां पे उसका डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, तो न्यूटन अपॉन मीटर. चलो न्यूटन का मैंने आपको याद रखने का बोला था. न्यूटन का क्या याद रखने का बोला था मैंने आपको? 112. एंड मीटर के लिए क्या लिखना चाहिए मुझे? L1. L1 get cancelled. तो क्या बाकी बचेगा? 120 हो जाएगा. जीरो वाले आप टर्म्स ना लिखो तो भी चलेगा. You can write this in this way, M1 L0 T minus 2. You can also write in this manner, M1 T minus 2. ऐसा भी लिख सकते हो आप. ये दोनों करेक्ट कनेक्ट है, दोनों आप लिख सकते हो. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा M1 L0 T minus 2. तो ये नया क्वांटिटी पिक्चर में आया. अब जो क्वांटिटीज हम डिस्कस करने वाले हैं वो सारे मोस्टली नए हैं. तो आपको उसका फॉर्मूला घर पे जाके प्रिपेयर करना है. उसके ऊपर से आपको यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला का फॉर्मेशन आपको आना चाहिए. मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूंगा, फॉर्मेशन आपको करना है. तो इसको मैं अभी निकाल रहा हूँ, रब कर रहा हूँ. हम अटके हैं 17th के. तो अभी कुछ क्वांटिटी नंबर 18. इम्पल्स ऑफ फोर्स. चलो किसी ने ये क्वांटिटी का नाम सुना हुआ है, इंपल्स ऑफ फोर्स? नो सर. अच्छा, तो इंपल्स ऑफ फोर्स जो है उसका जो फॉर्मूला है वो फोर्स इनटू टाइम इंटरवल है. एफ इनटू डेल्टा टी, ऐसे वो डिनोट होता है. चलो फोर्स जो ये मैंने आपको बता दिया, ये ऑब्वियसली मुझे बताना पड़ेगा, ये आपको पता नहीं है वो मुझे ही बताना पड़ेगा आपको. चलो अब ये मैंने आपको बता दिया, अब जो काम है वो आपको करना है. चलो अब मुझे क्या लिखना चाहिए इसके हिसाब से, उसका यूनिट क्या लिखना चाहिए मुझे? M112. नहीं नहीं, पहले यूनिट की बात करते हैं. न्यूटन 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 इंटू सेकेंड इज द राइट आंसर. चलो अब न्यूटन इंटू सेकेंड. M1 L1 112 T minus 2. वेरी गुड. एंड इंटू सेकेंड, तो इंटू में क्या लिखूं? T1 तो मेक इट सिंप्लीफाइड, उसको सिंप्लीफाई करो. M1 L1 T minus 2 T minus 1 M1 L1, तो उसके फाइनली हो जाएगा M1 L1 T minus 1. T minus 1 will be. Is that clear, friends? Yes, sir. Sir, what is the meaning of delta? हाँ, वो जब भी हम change की बात करते हैं, change in can be represented by delta. जैसे acceleration के बारे में आपने मैंने बताया था कि delta v upon delta t. तो मतलब क्या हुआ? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल. तो कोई इंटरवल है या कोई चेंज है तो उसको फिजिक्स में हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं. कोई इंटरवल है या कोई चेंज इन समथिंग है तो उसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करने का, ये जो है वो फिजिक्स का नोटेशन है. ओके सर. इन पोजिशन, चेंज इन पोजिशन का मतलब हुआ डिस्प्लेसमेंट. तो चेंज इन पोजिशन का मतलब हुआ डिस्प्लेसमेंट. तो आप डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा एक्स के द्वारा. तो डेल्टा इज इंडिकेटिंग अ चेंज वेरिएशन और इंटरवल. इज दैट क्लियर? इज इट ओके? यस सर. ओके, सो ये जो सारे क्वांटिटीज थे वो सारे क्वांटिटीज मैकेनिक्स के थे. तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया था वो मैकेनिक्स ब्रांच के क्वांटिटीज का डिस्कशन किया था. अब मैं कुछ क्वांटिटीज रोटेशनल मैकेनिक्स के क्वांटिटीज डिस्कस करने वाला हूं. तो अभी
पांच सात क्वांटिटीज जो है वो रोटेशनल मैकेनिक्स के रिगार्डिंग है. जैसे मैकेनिक्स में डिस्प्लेसमेंट आता है तो रोटेशनल मैकेनिक्स में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आता है. मैकेनिक्स में डिस्प्लेसमेंट आता है रोटेशनल मैकेनिक्स में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आता है. मैं बताऊँ आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं. सपोज कि ये कोई फैन का विंग है, कोई फैन का कोई एक जैसे आप क्लॉक का कोई एक मिनट हैंड या आवर हैंड भी सोच सकते हो. पेंडुलम. हाँ, यहाँ पे अभी है तो थोड़ी देर के बाद वो थोड़ा रोटेट होके यहाँ पे आ जाएगा. तो यहाँ से उसका यहाँ पे हुआ, ये क्या हुआ? कोई मुझे बताएगा ये क्या हुआ? तो आप बताओगे कि इसका रोटेशन हुआ. कोई ऐसा भी बोलेगा कि ये डिस्प्लेसमेंट हुआ. नहीं फ्रेंड, इसको हम डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल सकते हैं. बिकॉज डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में जाना, उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं. एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में जाने की जो बात है उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं. तो यहाँ पे जो एंड, ये जो हैंड है वो उसका जो पोजीशन है वो तो वहां का वहां, मतलब ये जो उसका जो लोकेशन है वो लोकेशन चेंज नहीं हो रहा है, लोकेशन वहां पे ही है, बट डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है. तो फ्रेंड्स, इसको डिस्प्लेसमेंट नहीं बट इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं. आई रिपीट, कोई ऑब्जेक्ट अगर एक जगह से लोकेशन उसका दूसरी जगह पे होता है तो दैट इज सेड टू बी अ डिस्प्लेसमेंट. बट ऑब्जेक्ट अगर रोटेट करता है, देखो उसका जो एंड पोजिशन है एंड वो तो वहां का वहां पे ही है, तो उसको डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलते हैं. तो उसको क्या बोलेंगे हम, ये नया क्वांटिटी पिक्चर में लाया, तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे. उसको हम एंगल भी बोल सकते हैं क्योंकि ये जो है उसने कुछ एंगल सब्सटेंड किया, उसको उसने कुछ एंगल वहां पे बनाया हुआ है, तो उसको हम प्लेन एंगल भी बोलते हैं. इसको प्लेन एंगल भी बोलते हैं बट अभी उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रखते हैं. तो इसका क्या है सर, इसमें डायमेंशंस नहीं होगा? हाँ, वही अभी तो वो स्टेप बाय स्टेप हम वही तो करने वाले हैं. अभी वो स्टेप बाय करेंगे हम. तो इसका जो यूनिट होता है एंगल, आप किस में मेजर करते हो? तो आप एंगल मेजर करते हो डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री, 40 डिग्री. अब शायद अगर आप मैथ्स पढ़े हो, मैथ्स में अगर ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट हुआ है तो शायद आपको पता होगा कि एंगल को हम रेडियन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. शायद, मुझे पता नहीं आपको अभी मैथ्स में आ रहा है या नहीं आ रहा है. तो 180 डिग्री जो होता है उसको पाई रेडियन बोलते हैं एंड 360 डिग्री को 2 पाई रेडियन बोलते हैं. तो मतलब मैं ऐसा बता रहा हूँ कि जो यूनिट एंगल का होता है वो डिग्री भी होता है और उसको हम रेडियन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कोई फॉर्मूला नहीं है, उसका जो यूनिट है वो रेडियन है. बट फ्रेंड्स, यहाँ पे मीटर किलोग्राम एंड सेकंड नहीं है. मीटर किलोग्राम सेकंड नहीं है तो उसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे मुझे क्या लिखना चाहिए? एम जीरो एल जीरो टी जीरो. तो फ्रेंड्स, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला एल वन है बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला एम जीरो एल जीरो टी जीरो है. उसका यूनिट है वो जो है वो रेडियन है. तो रेडियन के लिए हम कुछ भी डिनोट नहीं कर पा रहे हैं. तो रेडियन के लिए कुछ भी डिनोट नहीं होता है, वो जीरो जीरो ही रहता है. तो ये न्यू क्वांटिटी कम इन द पिक्चर, इट इज बेस्ड ऑन द रोटेशनल मैकेनिक्स. मैकेनिक्स खत्म हुआ, अब हम रोटेशनल मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं. तो जैसे मैकेनिक्स के अंदर डिस्प्लेसमेंट आता है तो रोटेशनल मैकेनिक्स के अंदर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आता है. चलो, अब मैकेनिक्स के अंदर जो है ना वेलोसिटी आता है, तो मुझे कोई बताएगा यहाँ पे मुझे क्या लिखना चाहिए? मैकेनिक्स के अंदर वेलोसिटी आता है तो यहाँ पे क्या आएगा? अच्छा फ्रेंड्स, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो? यस सर. ओके फाइन. हम डिस्कस कर रहे थे रोटेशनल मैकेनिक्स के क्वांटिटी के बारे में. तो हमने डिस्कस किया था
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने डिस्कस किया था. अब हमारा जो टॉपिक है, मैंने आपको बताया कि भाई जैसे मैकेनिक्स में डिस्प्लेसमेंट आता है, तो रोटेशनल मैकेनिक्स में रोटेशनल कौन सा क्वांटिटी अभी हम डिस्कस कर रहे थे? 1918 पता? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ओके, तो मैकेनिक्स में आता है डिस्प्लेसमेंट. तो रोटेशनल मैकेनिक्स में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है. मैकेनिक्स में आता है वेलोसिटी, तो रोटेशनल मैकेनिक्स में आएगा एंगुलर वेलोसिटी. चलो कोई मुझे बताएगा व्हाट शुड बी द फॉर्मूला ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. देखो याद करो वेलोसिटी का क्या है, पहले तो ये याद करो कि वेलोसिटी का क्या होता है. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. वेरी गुड, वेलोसिटी का होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो फिर एंगुलर वेलोसिटी का क्या होना चाहिए? एंगुलर वेलोसिटी का क्या होना चाहिए? रेडियंट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. सो एंगुलर वेलोसिटी का होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो इसका होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का तो यूनिट हमने डिस्कस किया कि रेडियन है, एंड रेडियन अपॉन टाइम मतलब रेडियन पर सेकंड. अब रेडियन का तो हमको पता है कि रेडियन के लिए तो क्या होता है, जीरो 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 ही होता है, बट अपॉन टाइम है. तो अपॉन टाइम का मतलब ऐसा हुआ अपॉन सेकंड. तो अपॉन सेकंड तो क्या होगा, एम जीरो एल जीरो माइनस टी माइनस वन हो जाएगा. एम जीरो एल जीरो टी माइनस वन. अब वापस से नया क्वांटिटी एंगुलर एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन क्या होता है फ्रेंड्स? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. तो फिर ऑब्वियसली एंगुलर वेलोसिटी क्या होना चाहिए? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम. हाँ, सो एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा के द्वारा. तो दिस इज द सिंबल फॉर द एंगुलर वेलोसिटी. तो आप एक बार बोलने के बाद म्यूट हो जाना. तो एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब ऐसा हुआ कि चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम. अब ये एंगुलर वेलोसिटी का जो यूनिट है वो तो अभी ऊपर लिखा हमने, इट इज अ रेडियन पर सेकंड. बट वापस से अपॉन टाइम आएगा, वापस से अपॉन टाइम आया तो इसका मतलब रेडियन पर सेकंड. तो इट विल कम्स आउट टू बी अ, इट इज कम्स आउट टू बी अ रेडियन पर सेकंड स्क्वायर. तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर का क्या होगा फ्रेंड्स? रेडियन का तो जीरो 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 होता है, बट सेकंड स्क्वायर है ना, तो क्या होगा? एम जीरो एल जीरो टी माइनस टी माइनस टू. वेरी गुड. अब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया. It is a totally new quantity, friends. I have to give you the formula directly without any discussion. So moment of inertia आपको directly मुझे देना पड़ेगा. उसका कोई मतलब याद रखने का technique भी नहीं है अभी. तो moment of inertia okay. So moment of inertia. So that is equals to a mass into distance square. So mass into distance square is actually a moment of inertia. So friend, इसका unit क्या होगा? मुझे बताओ. kg meter square. तो इसका unit हो जाएगा kg into meter square. So it is a m zero l two t zero. Is that clear everybody? And the 22nd torque. शायद आपने नाम कहीं पे सुना होगा practical life में, कि torque का ऐसा नाम सुना होगा.
बट फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू टॉर्क क्या है मुझे डायरेक्टली आपको डायरेक्टली मुझे आपको इसका फॉर्मूला बताना पड़ेगा दैट इज वेरी न्यू फॉर यू. तो टॉर्क जो है वो है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस को टॉर्क बोलते हैं. वो वैसे हम रोटेशनल मैकेनिक्स जब हम पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर जब हम पढ़ेंगे रोटेशनल मैकेनिक्स उसका पूरा चैप्टर है. तो ये सारे क्वांटिटीज आपको डिटेल में डिस्कशन होना उसका डिटेल में डिस्कशन होने वाला है. बट अभी फॉर द सेकेंड दिस चैप्टर यू हैव टू प्रिपेयर इट बाय लर्न बाय हार्ट. उसका डिटेल डिस्कशन फ्यूचर में होने वाला है. चलो अब मैंने ये तो बता दिया आपको. चलो फोर्स इनटू डिस्टेंस तो इसका यूनिट क्या होना चाहिए. फोर्स का क्या होता है फ्रेंड्स. Okay, are you able to hear me, friends? Yes, sir. चलो हम डिस्कस कर रहे थे टॉर्क के बारे में. तो मैंने आपको बता दिया कि टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है मैंने आपको बता दिया. तो मुझे ये बताओ फ्रेंड्स टॉर्क का यूनिट क्या होना चाहिए. न्यूटन मीटर. तो इसका यूनिट होगा न्यूटन. जो फोर्स का है वो न्यूटन है. डिस्टेंस का जो है वो मीटर है. बट वैसे हमने वैसे ही डिस्कशन किया हुआ है कि न्यूटन इनटू मीटर. न्यूटन का क्या होता है फ्रेंड्स. L1 t माइनस टू. एंड मीटर का फ्रेंड्स क्या होता है L1. तो फाइनली ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स. L1 L2 T-2. सो ये जितने भी क्वांटिटीज हमने डिस्कस किए वो रोटेशनल मैकेनिक्स के थे. तो हमने मैकेनिक्स एंड रोटेशनल मैकेनिक्स के कुछ क्वांटिटीज डिस्कस किए. अब जो मैं क्वांटिटीज डिस्कस करने वाला हूं वो इलेक्ट्रिसिटी के है. अब हम कुछ क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे. तो फ्रेंड्स चलो अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के बेस पे डिस्कस करने वाले हैं. तो उसका पहला जो क्वांटिटी है वो इलेक्ट्रिक करंट है. तो मुझे कोई बताएगा व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. एम्पियर. तो उसका वैसे कोई फॉर्मूला नहीं है बट उसका एम्पियर है. तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना चाहिए कोई मुझे बताएगा. M0L0T0A1. चलो अब हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज. अच्छा किसी ने यहाँ पे कुछ पूछा हुआ है लेट मी चेक. आज कितने बजे तक लेक्चर है. तो फ्रेंड्स हमारा जो लेक्चर का टाइम होता है वो 9 to 10, 10:15 तक रहेगा. 10:15 तक 9 to 10:15 मतलब 1 hour and 15 minutes का लेक्चर होता है. 23rd इलेक्ट्रिक चार्ज. अभी 5 मिनट में हम लेक्चर खत्म करने वाले. 5-7 मिनट में लेक्चर खत्म कर दूंगा. इलेक्ट्रिक चार्ज. चलो अब मुझे कोई बताएगा व्हाट इज द चार्ज. इलेक्ट्रिक चार्ज करंट करंट इनटू. शायद आपने ऐसा 10th में पढ़ा होगा कि I इज इक्वल टू क्यू. तो क्यू को सब्जेक्ट को इक्वेशन बना दो तो आई टी हो जाएगा. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो आई इंटू टी करंट इंटू टाइम. अब करंट तक करंट का तो यूनिट क्या है एम्पियर है. एंड टाइम का क्या है सेकंड है. तो चलो मुझे बताओ कि यहाँ पे मुझे क्या लिखना चाहिए. M0L0T1A1. वेरी गुड. चलो अभी जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस. चलो ये 10th में ये आया हुआ है
है किसी को याद पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में? वर्क अपॉन चार्ज. यस वर्क अपॉन चार्ज. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. सो वर्क अपॉन चार्ज इज द पोटेंशियल डिफरेंस. इट इज अ वेरी गुड. तो इसका जो यूनिट है वो वर्क का यूनिट क्या होता है फ्रेंड्स? जूल. जो होता है वो जूल होता है एंड चार्ज का जो होता है वो कूलम्ब होता है. जूल पर कूलम्ब. नेम ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट वोल्टा हु वाज द इन्वेंटर ऑफ अ ड्राई सेल. तो उसके ऑनर पे हम इसको वोल्ट भी बोलते हैं बट जूल पर कूलम्ब हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट है. तो फ्रेंड्स जूल पर कूलम्ब. चलो जूल का मैंने आपको याद रखने का बोला था. जूल का क्या होता? 1 2 2 1 2 2. वेरी गुड. नाउ यू आर डूइंग अ मास्टर. नाउ m1 l2 t-2. अब कूलम्ब का अभी हमने डिस्कस किया. कूलम्ब का होता है एम्पियर सेकंड मतलब a1 t1. कूलम्ब का होता है एम्पियर सेकंड मतलब a1 t1. तो इसको सिंपलीफाई करो फ्रेंड्स. तो अगर हम इसको सिंपलीफाई करते हैं, लेट मी म्यूट ऑल द पार्टिसिपेंट. अगर हम इसको सिंपलीफाई करते हैं तो फ्रेंड्स क्या होगा इसका? इसका हो जाएगा m1 l2 t. ऊपर जाएगा तो -1 होगा तो t -3 हो जाएगा बिकॉज -2 ऑलरेडी प्रेजेंट है -1 एंड बाकी बचेगा a-1. तो इसका हो जाएगा m1 l2 t-3 a-1. चलो कोई मुझे बताएगा रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस. ओम. रो. रो मल्टीप्लाइड बाय एल अपॉन ए. किस क्या प्रेरक बोला? कौन बोला प्रेरक बोला? कौन बोला? वी अपॉन आई. हाँ प्रेरक आपका आंसर सही है बट मुझे जो सुनना था वो ये था कि आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई. ओहम्स लॉ. It was there in your syllabus. It was there in the 10th standard. Yes, sir. Yes. अच्छा तो resistance जो है वो R is equals to V upon I है. अब ये जो V है वो उसका जो unit है वो volt है. जो अभी हमने ऊपर discuss किया. And I मतलब ampere. तो इसका जो unit होता है वो volt upon ampere होता है. But on the name of the great scientist George Simon Ohm, इसको हम ohm भी कह सकते हैं. That is the symbol for the ohm. बट अभी हमारे लिए ओहम काम का नहीं है. अभी वोल्ट पर एम्पियर काम का है. तो वोल्ट अभी हमने डिस्कस किया. जो वोल्ट का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है उसको जस्ट आपको एम्पियर से डिवाइड करना है. वोल्ट का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है उसको आपको जस्ट एम्पियर से डिवाइड करना है. तो कर दो डिवाइड उसको. वोल्ट को डिवाइड कर दो मतलब ऊपर जो है उसको जस्ट डिवाइड करना है आपको. तो इसको जो ऊपर का है उसको डिवाइड बाय ए करो तो क्या हो जाएगा? M1 L2 T-3 A-2. Is that clear, everybody, friends? Yes. Is it okay, everybody? Yes, sir. Okay. तो friends, अभी हम क्या करते हैं कि आज के लेक्चर में ये 25th तक रखते हैं. मुझे थोड़ा और भी क्वांटिटी डिस्कस करना पर थोड़ा टाइम का लिमिटेशन है. तो अभी मैं यहाँ पे हमारा सेशन खत्म कर रहा हूँ. बट एक बच्चे ने पूछा हुआ है कि उसको हर्ट्ज़ से कहीं पे क्लैश हो रहा है. अब पर्वा है वहाँ पे? यस सर. पर्वा क्या है बोलो आपके टाइमिंग क्या है? सर हर्ष सर में मंडे वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे फ्राइडे नहीं सैटरडे और संडे को लेक्चर्स होते हैं. उसमें टाइमिंग्स 9 या 8:30 बजे होते हैं. मतलब 9 या 8:30 ऐसे थोड़ी होता है दोनों? मतलब कई बार 8:30 बजे होता है कई बार 9 बजे होता है. मतलब अच्छा और कोई है हर्षित सर में? और कोई है वहाँ पे यहाँ पे जो आते हैं उसमें हर्षित सर में और कोई है? एनीबडी अपार्ट फ्रॉम पर्व हर्षित सर में है कोई? अच्छा मतलब कौन कौन से डे पे होता है आपका फिर से एक बार बोल दो. मंडे वेडनेसडे थर्सडे सैटरडे और संडे. और कोई? संडे कोई बार JEE का लेक्चर हो तो नहीं. इसके सिला मतलब वर्सेस का एक ही मतलब एक ही बैच और कोई बैच है वहां पे? नहीं एक ही बैच है सबको एक साथ ही पढ़ाते हैं सर. और 1.5 आवर का लेक्चर होता है. हर एक लेक्चर 1.5 आवर का होता है हर रोज. ओके 9 से 10:30 या 8:30 से 10 बजे तक बस. ओके मैं अगर आपके टाइमिंग डेज विल बी द सेम
आपके जो डेज है वो ट्यूसडे थर्सडे एंड ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे मेरा डेज तो यही रहेगा बट क्या मैं इसको शिफ्ट करके 10:30 बजे ले जाऊं 9 to 10:30 के बदले 10:30 to 12 o'clock तक ले जाऊं तो किसी को कोई प्रॉब्लम है नो सर नो सर एनीबडी एल्स अगर अभी बता दो मुझे प्रॉब्लम no, अदरवाइज फिर उसके बाद सेट नहीं होगा फ्रेंड्स अगर आप मेरे सामने हो तो ही सर हाँ बोलो मेरा मैथ्स का सैटरडे होता है सैटरडे कौन किसका होता है मैथ्स का आपका मैथ्स का चिराग सर का होता है कितने बजे होता है 11:30 के आसपास होता है तो मैं से ना एक बार चिराग सर के साथ बात कर दूंगा अगर वो 11:30 के आसपास होता है तो वो 15 मिनट लेट लेंगे मतलब 11:45 मैं यहाँ पे आपको रिलीज कर दूंगा 11:30 को तो 11:45 का वहां से स्टार्ट होगा मैं चिराग सर के साथ बात कर दूंगा इसके लिए ओके ओके तो अभी हमारा लेक्चर कब आएगा फ्रेंड्स थर्सडे और आपको थर्सडे टाइम क्या काम हाँ टाइम अभी मैंने टाइम मैं लिख लेता हूँ मैं लिखता हूँ मैं अभी टाइम देखो टाइमिंग हमारा ऐसा है आपको क्या करके लाना है ये 25 ये आज कोई होमवर्क नहीं है आज कुछ मुझे कुछ दिखाना नहीं है आपको बट आपको करना है ये 25 तक क्वांटिटीज जो है 25 तक क्वांटिटीज आपको लर्न बाय हार्ट करना है फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं ये जो चैप्टर है पूरा हाफ चैप्टर जो है ये हाफ चैप्टर इज बेस्ड ऑन दिस क्वांटिटीज आपको वो डायमेंशनल फॉर्मूला के ऊपर डिपेंडेंट है सो आपको नेक्स्ट टाइम जब आप आते हो आपको नोट्स में पीछे मिल जाएगा ये अलग से ये चार्ट है ये 32 क्वांटिटी जो मैं आपको डिस्कस बेसिक क्वांटिटी जो है अलग से मैंने दिया हुआ है एक चार्ट तो उसमें से आपको 25 तक के क्वांटिटीज डिस्कस याद करके लाना है नंबरिंग थोड़े आड़े बड़े मतलब उसके नंबरिंग सेम टू सेम सीक्वेंस में नहीं होगा बट मैकेनिक्स रोटेशनल मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी के क्वांटिटीज सबको मैंने आपको पढ़ाया हुआ है तो वो जो मैंने पढ़ाया उसको आप एक बार लर्न कर लेना तो आज का मैं सेशन यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ हम थर्सडे मिलेंगे थर्सडे का जो हमारा टाइम है वो 10:30 बजे का है यहाँ पे मैं लेक्चर खत्म कर रहा हूँ थैंक यू